ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग मजे में हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो थर्ड वीडियो लेक्चर है वोकैबुलरी बिल्डिंग पे। इससे पहले मैंने वोकैबुलरी बिल्डिंग पे दो लेक्चर्स लिए हुए हैं। हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ स्टेप बढ़ाया है हमने और बहुत ही तगड़ा स्टेप है ये, तो हम लोगों को ये स्टेप लेना जरूरी है। इसीलिए अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं आपको वर्ड्स सिखाऊंगी वो वर्ड्स बेस्ड होंगे फूड के ऊपर। अब जैसे फूड के ऊपर अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर मैंने फूड का टेस्ट बोला तो स्वीट और बिटर होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये फूड ज्यादा पका हुआ है, ये खराब हो गया है, तो उस पके हुए फूड को या कम पके हुए फूड को, खराब फूड को हम क्या बोलेंगे। जैसे हमने वर्ड सुना है क्यूजीन, एपेटाइजर, तो ये क्या ये टाइप्स ऑफ फूड है। तो फूड को वोकैबुलरी, फूड के वोकैबुलरी को मैंने अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला सेगमेंट है टाइप्स, क्या क्या अलग अलग टाइप्स के फूड होते हैं, उनको हम इंग्लिश में कौन से वर्ड से बोलते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्यूजीन। अब क्यूजीन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने रेस्टोरेंट में ये वर्ड सुना होगा क्यूजीन, बहुत सारे रेस्टोरेंट के नाम के आगे क्यूजीन दिया जाता है या नाम के नीचे जो स्पेसिफिकेशन होता है कि वहां पे कौन सा खाना मिलेगा उस पे क्यूजीन लिखा जाता है। तो अभी क्यूजीन होता क्या है, कोई भी कंट्री का, कोई भी स्टेट का, कोई भी रेस्टोरेंट का कोई एक फूड स्टाइल को क्यूजीन बोलते हैं। जैसे अगर मैं नूडल्स की बात करूं या मंचूरियन की बात करूं, आ रहा है ना मुंह में पानी, नूडल्स की या मंचूरियन की बात करूं तो वो कौन सा क्यूजीन है, कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, चाइना को, तो उसे चाइनीज क्यूजीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूजीन मीन्स फूड स्टाइल जो एक पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट या रेस्टोरेंट को बिलोंग करता हो। नेक्स्ट है बुफे। बुफे ये वर्ड आपने सुना होगा। बुफे क्या होता है, एक लॉन्ग टेबल पे जब फूड रखा जाता है और जो सर्व करने वाला, जो खाने वाला है उसको खुद को सर्व करना है, जितना चाहे वो उतना ले सकता है, तो उसे हम बुफे बोलते हैं। नेक्स्ट एपेटाइजर। एपेटाइजर क्या होता है, जब भी मील्स के पहले हमारे एपेटाइट को बूस्ट करने के लिए, एक एक्टिव करने के लिए जो स्मॉल डिश रहती है या ड्रिंक रहती है, एक छोटा सा स्नैक या ड्रिंक जो मील के पहले, मेन कोर्स के पहले खाया जाता है, उसे एपेटाइजर बोला जाता है। नेक्स्ट है फोर कोर्स मील। अब फोर कोर्स मील कैसे बोलेंगे, एक ऐसा मील जिसमें जो सूप से शुरू होता है, सूप, देन एपेटाइजर, देन मेन कोर्स और डिजर्ट से एंड होता है। तो ये चारों जब मील चीजें आ जाती हैं एक मील में, तो उस मील को बोलते हैं फोर कोर्स मील। ओके, आई लव टू हैव फोर कोर्स मील विथ यू टुनाइट, मैं आपके साथ आज रात फोर कोर्स मील करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट है टेस्ट। कौन से ऐसे वर्ड है जो फूड के टेस्ट को बताते हैं, जैसे फर्स्ट है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब है टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा खाना जो टेस्टलेस है, फीका है एकदम, कोई टेस्ट नहीं है, जैसा टेस्ट उसका आना चाहिए वैसा टेस्ट नहीं है, तो आप ब्लेंड बोल सकते हो। नेक्स्ट स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स तीखा। सेवरी। सेवरी मतलब डिलीशियस, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, उसे आप सेवरी बोल सकते हो। माइल्ड, हल्का सा टेस्ट है, प्रॉपर टेस्ट नहीं है, हल्का सा टेस्ट है। अब कोई चीज आप खा रहे हो उसकी टेस्ट आपने जैसे एक्सपेक्ट की वैसे नहीं है, तो उसे आप माइल्ड बोल सकते हो। तो माइल्ड और ब्लेंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सावर। सावर मींस खट्टा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन। फूड की कंडीशन के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, फूड की कंडीशन बताने के लिए। सबसे पहला वर्ड यूज किया गया है ओवर कुक्ड। ओवर कुक्ड मीन्स कोई अगर खाना जरूरत से ज्यादा कुक किया जाता है तो उसे कहते हैं ओवर कुक्ड। फ्रेश, आपको पता है ताजा ताजा अभी बना हुआ चीज, अभी बना हुआ खाना, उसे फ्रेश फूड बोलते हैं। स्टेल एंड रॉटन। स्टेल और रॉटन, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेल का मतलब होता है कि रखा हुआ खाना, जरूरी नहीं है वो खराब हो, वो खाने लायक है, बट रखा हुआ खाना, आप बासी खाने को स्टेल बोल सकते हो। और रॉटन क्या होता है, एक ऐसा खाना जो रखा हुआ है और खराब हो चुका है, जो एडिबल नहीं है, जिसे खाने के बाद बीमार पड़ेंगे। अनराइप मतलब अभी तक पका हुआ नहीं है, बनानास आर येट अनराइप, तो बनानास जो है वो अभी तक पके हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर स्पूनफुल। स्पूनफुल का मतलब होता है एक स्पून में जितना क्वांटिटी खाने का आ सकता है उसे कहते हैं स्पूनफुल। ओके, नेक्स्ट है पोर्शन। पोर्शन मतलब पूरे खाने का पार्ट पोर्शन होता है। ओके, कोई भी अगर आपने खाना लिया है उसका जो पार्ट होगा उसे हम पोर्शन बोलेंगे। तो पिंट क्या है,
पिंट भी तो पार्टी है, बट यहाँ पे लिक्विड्स मेजर किए जाते हैं। जैसे अगर आपको मिल्क चाहिए, जितना है उसमें से थोड़ा मिल्क या आधा मिल्क चाहिए या आधे से ज्यादा चाहिए, तो यू व्हाट विल से लार्ज पिंट ऑफ मिल्क, आप लार्ज पोर्शन ऑफ मिल्क नहीं बोलोगे। जबकि अगर यहाँ पे दाल चावल दाल राइस रखे हुए हैं और आपको चाहिए वो खाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ दाल राइस, आप लार्ज पोर्शन ऑफ मिल्क नहीं बोलोगे। तो ये जो पिंट है वो लिक्विड की क्वांटिटी के लिए बोलने के लिए यूज किया जाता है, और पोर्शन जो है वो लिक्विड छोड़ के बाकी के चीजों के लिए यूज किया जाता है। वेयर स्पूनफुल तो आपको पता है एक चम्मच भर के, यू आर सपोज टू हैव स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन डेली। आई होप आप लोगों को फूड से रिलेटेड वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वोकैबुलरी जो हम करने वाले हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना दिस वर्ल्ड के नॉट सर्वाइव, तो उससे रिलेटेड वोकैबुलरी तो आपको पता ही होनी चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और लाइक अच्छा लग रहा है आपको, तो लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस चीज के ऊपर आपको वोकैबुलरी सीखनी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।